मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊँगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप विद बोथ रायबरेली एंड द पीपल ऑफ वायनाड एंड द लास्ट 5 years एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड हैव बीन ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। द पीपल ऑफ वायनाड स्टूड विद मी, द पीपल ऑफ वायनाड गेव मी लव एंड अफेक्शन, एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, दे गेव मी सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन, दे गेव मी एनर्जी टू फाइट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आई वॉन्ट एवरी वन इन वायनाड टू नो that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this: you have now 2 members of parliament, one is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad.